दर्शक भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से नई वीडियो के साथ किसान परिवार में। और हम आपको आज मिलवाने लाए हैं खरकोद्दा, जो जिला मेरठ में पड़ता है। महेश त्यागी जी हमारे किसान हैं। आप सभी किसान भाइयों ने सिंगल ट्रेंच तो बहुत देखी होंगी, हम आपको दिखाने लाए हैं डबल लाइन वाली ट्रेंच, क्योंकि आज तक हमने जो सिंगल लाइन वाली ट्रेंच ही देखी और उसी की ज्यादातर वीडियो बनाई है। तो इनके पास डबल लाइन वाली ट्रेंच है, तो इन किसान भाई से उसका भी फायदा जान लेंगे कि इसका इन्हें क्या फायदा मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो हमारे किसान भाइयों को ये बताएं जी, इसका जो आप दो लाइन में ट्रेंच बोते हैं, इसका क्या फायदा है? आप इसे क्यों बोते हैं, सिंगल लाइन क्यों नहीं बोते? सिंगल को बंधवाने के दिक्कत आवे, इसे बंधवाने में आसानी है। दूसरे हमारी ड्रिप लाइन पड़ी है इसमें। अच्छा जी। उसे पानी देने में आसानी है, बीच में पड़ा रहे। ड्रिप लाइन इनकी चल भी रही है, आप देख सकते हैं इधर भी चल रही है ड्रिप लाइन, तो ड्रिप से पानी चलता है इसमें। तो इनकी जो है ये भूड़ की जमीन है, मतलब एक बोलते हैं रेतीली जमीन है थोड़ी सी, तो इधर पानी देने में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसीलिए इन्होंने डबल लाइन ट्रेंच बोकर उसमें पाइप डाल दिए हैं सारी में ट्रेंच में, क्योंकि इनके पास लगभग 500 बीघे जमीन है। तो ये सारे में तो गन्ना नहीं बोते, लेकिन आधे में लगभग गन्ना बोते हैं, तो उसे भरने में दिक्कत आती है कि कहाँ कहाँ तक भरें। तो इसीलिए इन्होंने जो ड्रिप बिछाई गई है इसमें, और उसे पानी चलाने में आसान नहीं होती होगी। आसान नहीं रहा इसमें तो। और जैसे बनाई है उसमें, मतलब खाद पानी डालते हो तो खाद पानी पे मजदूर ना करना पड़ता, हम तो अपने ड्राम में घोल लें, उस मशीन से आ जाओ, तो उसमें उसकी चीज की बचत होती है आपको। अगर जो आप जो 30 पे बोते हैं, 28 पे बोते हैं, तो उसे बोओगे तो ज्यादा खर्चा आएगा आपका। उसमें खर्चा आवे, सारी भरी जा, फिर खाद वैसे पड़े उसमें, खाद वैसे डाल लगाएगा, हाँ, तो उसमें डबल खर्चा हो जाएगा। खर्चा आवे इसमें तो, खाद इसमें चला दे ड्रिप लाइन में। अच्छा, सह फसली, तो उसमें सह फसली भी लेते हो जी? हाँ, सह फसली भी ले लें। अच्छा, क्या क्या लिया जी आपने? पिछली बार मूंग ली इससे। अच्छा, इसमें पिछली बार आपने मूंग ली है? हाँ जी, बुएर में मूंग ली हमने इसमें। अच्छा, आपके पेटी में कुछ नहीं लगा? पेटी में कुछ नहीं लगा, लेट कटी। तो मूंग से इसमें खेत में फायदा मिला होगा, गन्ना भी देख रहे हो कि रंग भी अच्छा बना हुआ है और काफी हाइट हो रही है इसकी, ठीक। तो कितने कुंटल जो है बीघे का निकाल लेते हो जी आप? लगभग 80 से 90 तक। अच्छा, 80-90 तक, इतना तो वैसा भी निकल जाएगा जी वाला, पर यह है कि इसमें खर्चा ज्यादा आएगा आपका। खर्चा ज्यादा आएगा, इसमें खूड़ ना बच रहा, जितना इसमें खूड़ ना कम हो रहा। हाँ, ये सही कह रहे हो, नहीं खूड़ भी कम हो रहा, इसमें खर्चा ज्यादा आएगा, इसमें खर्चा बहुत कम आवे। अच्छा, लगाते क्या क्या हो जी आप गन्ने में, जो हमारे किसान भाइयों को बता दो एक बार, ड्रिप में क्या क्या डालते हो? मतलब थोड़ा में कुछ नहीं, खाली लगे जी हमारे, तो यूरिया और कोराजन भी हम तो ड्रिप से ही लगा दे बजाय स्प्रे के। अच्छा, कोराजन भी और जो अन्य दवाइयां जैसे फंगिसाइड वंगिसाइड भी सब डाल देते हो? ना पड़ी हमें कभी भी करने को, देख लो गन्ने को, कुछ भी नहीं करा। अच्छा, तो कुछ नहीं करा, बस जो है कोराजन चलाई है और यूरिया चला रहे हैं जी इसमें बस, ये और बढ़िया गन्ना हो रहा है डबल ट्रेंच। कभी देखे रंग उतरा सा, पोटास भी लगा दें थोड़ी बहुत। अच्छा, पोटास लगा देते हैं। तो अगर आपका किसान भाई, अगर आपकी जमीन थोड़ी रेतीली में है, पानी भरने में समस्या आती है, तो डबल लाइन की जो ट्रेंच है ये ज्यादा कामयाब है सिंगल लाइन वाली से, क्योंकि इसमें जो है पाइप ना पड़ने का, फिर उसमें जो उसमें ड्रिप से आप उसे भर नहीं सकते। इसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर, अच्छा, आप वैसे पानी इसमें नहीं चलाते जी, भरे से हमने देखा बाहर की, इनके भरा भी नहीं है, पानी चलाने की जो नाली होती है वो भी नहीं है बनी हुई, तो आप ये प्रॉपर जो इसी से पानी चलाते हैं। तो अगर किसी किसान भाई के यहाँ जैसे रेतीली जमीन हो, तो वो डबल ट्रेंच बोकर ड्रिप बिछा कर उसमें पानी चला सकते हैं। तो हमारे किसान भाई की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद किसान भाइयों।